तो कैसे हैं आप लोग? और आप देख रहे हैं अपना उज्जवल नरूला। तो तुम्हारा भाई आया है सुभाष नगर के अंदर, छतरी वाला पार्क के अंदर, जो हमारे वहाँ पर सबसे फेमस है प्यारे लाल जी के छोले कुलचे। वो भी छोले कुलचे नहीं, अमृतसरी कुलचा, जो अमृतसर की याद दिला देता है। तो वो देखो, वो है हमारी शॉप हमारी। तो अभी हम आपको टेस्टिंग बताते हैं और अंदर जाके भी दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आज ये चलिए, ये हमारी शॉप है। सर आपका नाम? मैं अमर, और जो हमारे भाई साहब हैं अंदर, उनका नाम सुनील कुमार। अच्छा, अंदर दुकान है। अच्छा, ओके। तो ये हमारे भैया भैया अमर। तो आपके पास वैसे वैरायटी क्या क्या होती है? हमारे पास तवा भटूरा होता है, तवा जो अमृतसरी फेमस है, जो तवा कुलचा भी है, भीगा कुलचा भी है, चावल छोले भी हैं, और लस्सी छाछ है। लस्सी छाछ। और तो टाइमिंग क्या होती है? सुबह 8 से 3 का डन। 8 से 3। ओके, तो आपके हमने प्राइस बता दो पहले। अगर आप तवा भटूरा लेते हो 70 रुपये के 2 पीस हैं। 70 रुपये के 2 पीस। अच्छा अच्छा अगर तवा कुलचा लेते हो 70 रुपये के 3 पीस हैं। 70 रुपये के 3 पीस। वाह भाई, 70 रुपये के 3 आराम से पेड़ भर के खा सकते हैं जी। और भीगा कुलचा लेते हो 60 रुपये का सिंगल पीस ही है पेड़ में। फेमस तवा भटूरा अपना फेमस है। बाकी चावल छोले हाफ 40, फुल 70। बाकी लस्सी छाछ। लस्सी छाछ। अच्छा, मीठी नमकीन दोनों होती है? स्वीट लस्सी लोगे 50 रुपये की है, सॉल्टेड लेते हो 30 रुपये की। ओके, मतलब 50-30 की लस्सी। और सारे प्राइस भैया ने बताई दी थी एक बार। ये देख, ये कितने साल पुरानी है? 20 साल पुरानी है सर। 20 साल पुरानी। और अब भैया ने अंदर भी शॉप ले ली अपनी बढ़िया वाली है। वहाँ पे आप यहाँ पे भी खा सकते हैं, वहाँ पे भी खा सकते हैं। वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी है वहाँ पर। और यहाँ पे अगर आपको टेस्ट लेना है तो यहाँ भी आओ, वहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी और वहाँ पे भी मिलेगी। बट वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है ना भैया? तो एसी वगैरह भी लगा, एसी वैसी भी है। तो एक बार आप अंदर से दिखा दो हमें। देखो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। देखिए आप के दिखा रहे हैं हमारे छोलों को। अच्छा, ये छोले देखो पूरे घर के जैसे लग रहे हैं, जैसे मम्मियाँ बनाती, उससे भी अच्छे टेस्टी लग रहे हैं। तो मसाले आपके अपने खुद के होते हैं? जी जी। तो ये दिखाना एक बार अच्छे से। ये अभी तो देखो आधा ख़त्म भी हो चुका है इनका, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। ओके, और क्या क्या होता है आपके छोले तो आपके? और ये तवा है हमारा, ये कुलचा रखेंगे हम हमारे भैया। अच्छा सॉरी, भटूरा, ये भटूरा है भैया का, ये अच्छे से गर्म हो रहा है फुल अच्छे से। और फुल ऐसा नहीं है कि सैनिटाइज नहीं है, सब कुछ ग्लव व्लव सब कुछ लगा रखे हैं, हर भैया ने लगा रखे हैं। यहाँ पे फुल अच्छे से गर्म कर रहे हैं, ये हो रहे हैं गर्म अच्छे से। पैकिंग अरेंजमेंट भी है सर का, ये फुल अच्छी बॉक्सेस में भैया पैकिंग करवाते हैं। ये देखिए, पैकिंग के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? ओके ओके। ये अच्छे से देखो, फुल अच्छी क्वांटिटी में छोले डालते हैं भैया, क्यों ये नहीं कि कम वम डाले। अच्छा अच्छा, 2 डब्बे आते हैं 6 प्लेट के अंदर। और ये हमारे देखो भटूरे हैं भैया, ये भटूरे है। स्विगी जोमेटो में भी है? अच्छा, स्विगी जोमेटो पे भी। स्विगी जोमेटो में 2 साल पुराना है। अच्छा, 2 साल पुराना है, मतलब बहुत टाइम से है मतलब भैया। तो स्विगी जोमेटो पे भी होएगा ही फिर तो इनका। अब हम आपके अंदर वाली शॉप पे टेस्टिंग करते हैं और प्यारे लाल जी से अब बात करते हैं। चलिए, तो आइए जी, हम आ चुके हैं इनकी शॉप के अंदर। ये प्यारे लाल जी, ये पहले आप इनका बोर्ड पढ़ लीजिए, इनका ये नंबर ले लेते हैं, प्यारे लाल अमृतसरी स्पेशल विदाउट। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये बिना घी एंड बिना घी के सब कुछ बनता है, बिना घी और तेल के ये सब कुछ इनका बॉक्स है। और वो इनकी शॉप है, ये देखो, ये देखो पूरा। और आपको अगर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको हमें जब भी आप कभी आओ सुभाष नगर, तो छतरी वाले पार्क के अंदर आ जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और अगर आपको इनकी शॉप में आना है तो अंदर गेट से सीधा अंदर सीधा सीधा आओगे, कोई भी आपको बता देगा। चलिए चलते हैं। ये देखो आप देख सकते हैं क्या शॉप के अंदर प्यारे लाल जी हमारे। हेलो सर, नमस्ते अंकल। तो ये हमारे सर है। तो सर आपके पास जो हमारे वैरायटीज, तो जब भी हमने पूछ लिया, जब भी एक बार आप भी बता दो। क्या चीज़ पूछा? ये जो आपके पास जितनी भी खाने की वैरायटी होती है एक बार आप दोबारा बता दो, आपके मुंह से मैं खुद सुनना चाहूँगा। हमारे पास सर ये वैरायटी है सारी। अच्छा, लगी है। ये हमारा तवा भटूरा है। हाँ जी हाँ जी। और
वो हमारा तवा कुलचा है। हाँ जी, ये भीगा कुलचा, ये भीगा कुलचा है। और ये सॉल्टी छाछ, ये देख सकते हो, स्वीट लस्सी भी है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो जाती है हमारे पास। राइस, राजमा चावल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब कुछ स्विगी जोमेटो पे भी है। बड़ी बात है कि हमने अंदर सीटिंग भी रखी है, सीटिंग अरेंजमेंट हो चुकी है इनकी शॉप के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वॉशरूम भी बने हुए हैं। हाँ जी, एसी वेसी सब कुछ है। कोई प्राइसिंग की डिफरेंस तो नहीं होगा ना? प्राइसिंग का डिफरेंस, अच्छा। ये देखो फुल एसी भी है, देखो आप ऊपर भी देख सकते हैं, एसी वैसी फुल अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, कोई नहीं है। और इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर इन्होंने रखा है सब कुछ है। ये आप इनका इसकी भी फ़ोटो ले लेंगे और हम इनको डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में डाल देंगे कि आपको कभी भी, आप शादियों को भी ऑर्डर लेते हो? अच्छा। तो आपकी टाइमिंग बता सकते हैं? वॉशरूम सब कुछ है इनकी शॉप में। अब आप फिर आपके सबसे बढ़िया वैरायटी बताओ, फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। भटूरा, भीगा कुलचा दो आइटमें हैं जो हमारी फेमस हैं ज़्यादा। ओके। तो आप फिर भीगा कुलचा और तवा भटूरा लगाइए। ओके, आइए। अरे लाल जी, हमारा भीगा कुलचा लगा रहे हैं, देखिए आप, ये हमारा भीगा कुलचा लगा रहे हैं सर। ये छोले हैं इनके, ये भीगा कुलचा है हमारा। हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड फेमस छोले हैं इनके। छोले में ऑयल, घी, तेल, लहसुन, प्याज नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, फुल। और ये हमने भीगा कुलचा सिर्फ इसको हमने 2 मिनट में ये रेडी रहता है। अच्छा, ये 2 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। ये अच्छी तरह वो मैश हो जाएगा अपना ग्रेवी के साथ। अच्छा। तो उसको खाने का अलग ही मज़ा आता है। प्याज कोई प्याज खाता है, कोई नहीं खाता, अपने सारे ऑप्शन अपनी चॉइस है। ओके, ये छोले लग रहे हैं हमारे, ये देखो तवा भटूरा भी साथ, तवा भटूरा। ये छोले के आप कलर देख रहे हैं आप, ये छोले इनके वर्ल्ड फेमस है, ये देखो। हाँ, इसमें घी, तेल, लहसुन, प्याज नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, और आप कलर देखो, प्यारा कलर आ रहा है इनका, और इनमें प्याज डाला इन्होंने। ये कौन सी चटनी अंकल? ये हमारी धनिया पुदीने की चटनी है। आप खुद बनाते हो? हाँ जी, खुद बनाते हैं, धनिया पुदीना, इमली। ये चम्मच के साथ तैयार होते हैं। ये हमारी सैलेड है, सैलेड। सीजन के हिसाब से ये रहा देखो, सिरके वाला प्याज। हाँ जी, और ये हमारी अदरक है, अदरक, और ये अंबी है, अंबी का अचार सीजन के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, और सर्दियों में हम मूली यूज करते हैं, और ये हमारी सिरके वाली मिर्च, सिरके वाली मिर्च जो हम खुद बनाते हैं फ्रेश, खुद रेडीमेड कोई चीज़ यूज नहीं करते बाजार जी, इसमें रेडीमेड कोई चीज़ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक ट्रे दो रखते हैं। ये छोले और ये तैयार हो चुके हैं अब हमारा, ट्रे में लगा है। हाँ जी, भीगा कुलचा भी तैयार हो चुका है, देखो 2 मिनट हो चुके हैं हमारी, और हाँ फुल अच्छे से। ओहो, क्या बढ़िया चीज़ लग रही है यार, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आना शुरू हो चुका है। ऊपर से अंकल ने और छोले डाले। आपको जितने छोले खाने मिल जाएंगे दोबारा यहाँ पे, छोले के लिए दोबारा कोई मना नहीं होता। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो दोबारा छोले भी ले सकते हैं। ये अपनी ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी ऊपर से। ये हमारा भीगा कुलचा रेडी है, भीगा कुलचा तैयार है गाइस हमारा, ये हमारा तैयार, ये हम यहाँ पे रख रहे हैं, फुल प्लेटिंग के साथ कहेगा, एकदम 5-स्टार होटल जैसी हम उनको फील आ रही है इसके अंदर। ये हमारा बिल्कुल ऑयल का नहीं होता, बिल्कुल बहुत कम ऑयल। अच्छा, और ये अब रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है जी। ये नॉर्मल भटूरो जैसा नहीं, थोड़ा अलग, ये अलग है, अलग और से। ये आपकी स्पेशलिटी, चैलेंज दिया हुआ है। हाँ जी, ये ऐसा पूरे पंजाब वालों को, पूरे किसी कोई भी हो, पूरे इंडिया को चैलेंज है, ऐसा वाला प्रोग्राम लगा। अच्छा, हाँ जी, खाने की खुशबू ही अलग आती है, खुशबू ही अलग है। देखो अब कलर देखो ना, पहले फैट भी कम है। हाँ जी, हाँ जी, जो हैंड टू हैंड आप खाते हो, छोले है देखो आप इनके, पूरे इंडिया को सर ने चैलेंज दिया, पूरे इंडिया को। हाँ जी, हाँ जी, तो फिर अब हम टेस्टिंग करते हैं, चलिए पास आ जाओ। तो गाइस, ये हमारे आ चुके हैं यहाँ पे तवा भटूरा और ये भीगा कुलचा। पहले हम किससे टेस्ट करते हैं, पहले हम तवा भटूरा टेस्ट करते हैं। ये देखो,
बिल्कुल ऑयल नहीं है देखो, जैसे चिकनाहट होती है बिल्कुल नहीं है देखो, एकदम सॉफ्ट है। कोई भी जो जिम विम कोई भी करता है वो कुछ भी खा सकता है, ऐसा नहीं है किसी हट्टे कट्टे पंजाबी लोग को, हर कोई। और पूरे पंजाब को चैलेंज, पूरे इंडिया को चैलेंज दिया कि ऐसा भटूरा बना के दिखाओ, वर्ल्ड फेमस भटूरा। ये देखो कितना सॉफ्ट, किधर हाथ में आते ही टूट गया ये। अब मैं इसका टेस्ट बताता हूँ पहले, ये देखो। अब कलर देखो लो ना छोलों का, इतना बढ़िया कलर आ रहा है छोलों का कि कभी हो ही नहीं सकता। देख रहे हो ना, ये भटूरा, ये इनका वर्ल्ड फेमस भटूरा है। ऐसा भटूरा पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, इतना टेस्टी भटूरा। देखो हाथ में आके टूट रहा है। और मैं आपको छोलों के साथ एक बार बाइट लेके बताता हूँ, छोलों का टेस्ट बताता हूँ मैं। ये देखो ऑयल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। अब छोलों का टेस्ट इतना माशा अल्लाह की पूछो मत। और इनकी जो, ये इनकी जो अचार है देखो, इनमें भी अम्बी है। हट्टी है। और ये देखो मैं एक और बाइट लेता हूँ, फिर हम भीगा गुलदा चेक करते हैं। वही कोई छोले नहीं, मतलब एक बंदा अच्छा कोई जिम वाला भी हो ये भी खा सकता है, कोई जितनी फिटनेस विटनेस कोई भी करे कोई भी खा सकता है। अब अपना भीगा कुलचा पे आते हैं हम। भीगा कुलचा, आप कुलचे को देखो पूरा अंदर एकदम डिप हो चुका है। ये देखो देसी पिज्ज़ा बोल सकते हैं आप इसे। मैं इसको टेस्ट ले रहा हूँ, पानी आ रहा है इसको देख के। तो ये हम तोड़ रहे हैं इसे, ये पहली बार भीगे कुलचे की। हाँ जी हाँ जी, इसका जब मैंने बाइट ली ना, मैंने पंजाबी में भी भीगा कुलचा खाया था पर ऐसा नहीं था, वो जो ना हार्ड था, बट ये एकदम सॉफ्ट है, पंजाब में भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लस्सी और छाछ, ये सर हमारी लस्सी छाछ लेके आया, और इनकी बॉटलिंग भी खुद की होती है। इनका प्राइस 50-30 होती है ना जी, स्वीट लस्सी 50 की है और छाछ 30। अच्छा अच्छा, अब ये देखो मैंने पंजाब में भी सर ये खाया था पर इतना सॉफ्ट नहीं था जितना सॉफ्ट आपका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये देखो कितना प्यारा कलर है, मिर्ची बिल्कुल नहीं है, जैसे कुछ होते हैं ना गले में लगता है, गले में भी नहीं लग रहा। बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया। इनका सिरके वाला प्याज भी मैं टेस्ट करके बताता हूँ। और जो मैं इसमें चटनी है ना इनकी, वो छोलों में निखार के कलर आ, निखार के टेस्ट आ रहा है। देखो जो निखार के टेस्ट आता है ना वो नहीं है इसके अंदर, वो ही है इसके अंदर। छोले तो A1 है, बट जो इनकी जो चटनी आ, हाँ हाँ मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे एक भैया खा रहे हैं। भैया आपका नाम? असीम भैया का नाम है। भैया कैसे लगा भीगा कुलचा खाने यहाँ पे? भैया ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले कभी खाया ऐसा? पहले कभी ऐसा नहीं खाया, बहुत ज्यादा कुलचे खाए हैं पर ये एक अलग ही कुलचा है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 10 ही दिए। ओहो भैया तो मेरे बड़े भाई निकले, 10 में से 10 नंबर दिए। अब आ जाओ सर से दोबारा बात करते हैं, मैं एक बार इनकी इनके इसका भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं देखो लस्सी आप खुद बनाते हैं अभी? ये स्वीट लस्सी है, और वो होता है ना एकदम गाढ़ के जो बनाते हैं वो वाली पंजाबी, पंजाबियों की लस्सी है। नाश्तों के साथ ये लस्सी पियो, हाँ मज़ा ही आ जाए, जन्नत है तो यही है, किसी ने सही बोला है। और अब मैं सॉल्ट वाली भी टेस्ट करके बताता हूँ। गर्मी में ठंडी का मज़ा। और इनके देखो नीचे आपको दिख रहे होंगे मसाले, दिख रहे हैं इनकी अपने मसालों की है ये, नीचे होगा तो आपको दिख नहीं रहा होगा, जब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी मैं मिक्स करके दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा ये देखो ये मसाले आ रहे हैं ना, ये सारे मसाले इनके खुद के हैं।
A1 टेस्ट है, A1 सब कुछ है। अब मैं रेटिंग की बात कर लूँ तो ये जो हमारे भटूरों का टेस्ट था ये बहुत टेस्टी थे, पर मैं इसको दूंगा 10 out of 10। और भीगा कुलचा को तो 100 दे दूंगा, इतना बढ़िया था। और वर्ल्ड फेमस पहली बार ऐसी चीज़ खाई तो कसम मज़ा आ गया। अब आइए सर से कुछ बात करते हैं। तो सर आपने जो ये अपनी शॉप है, अब आपकी खुद की है ना? ये हमारे खुद की परचेज की है। तो एक मेरे को बहुत खुशी वाली बात है, भैया ने अपनी एक छोटी सी जगह से लेके आज अपनी खुद साइकिल से, लेकिन मैंने अपनी साइकिल अपना वक्त नहीं भूला इसलिए वो उसको अभी भी बाहर लगा। हाँ जी हाँ जी। तो वही लोग अपना टाइम भूल जाते हैं आगे बढ़ना है, तो मैं अपना टाइम को याद करता हूँ। आने वाले टाइम में लोग याद करेंगे, लोग अपना टाइम ना भूलें, वक्त बता लोगों के लिए शिक्षा है कि कोई भी हो जहाँ से भी बने हो ना उस अपने टाइम को नहीं भूलना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए सर, कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप देख लो मैंने इतनी मेहनत की है, कोई टाइम था मैं वही साइकिल गली गली में लेके घूमता था, और आज देखो पूरा आवाज लगा कर गली गली में आवाजें लगा के बेचता था, कोई टाइम ऐसा नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ अपना एक सेटल जगह सेट की, धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक अपना आम आदमी आज इतनी बड़ी शॉप का ओनर बन चुका है। तो हर भगवान करे सारे ऐसी अच्छे ऊंचाइयाँ छुए, तो सब ऊंचाई बिल्कुल सब अपने मन होनी है, सारे को मेहनत करते रहो तो आप सब कोई ना कोई एक दिन कामयाब होगा। तो स्विगी जोमेटो पे भी है ना सब कुछ अंकल आपका? स्विगी जोमेटो भी है हमारे पास, और डिलीवरी हम 2 से 3 किलोमीटर तक करते हैं। अच्छा, खुद भी कर लेते हो? खुद भी कर लेते हैं 2 से 3 किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर आपके हमारे स्विगी जोमेटो है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर अब हम आपसे घर जाके बात करते हैं, ये वीडियो अब हम एंड करते हैं यहीं पर ही, अब घर जाके बात करेंगे। छोले कुलचे मतलब भीगा कुलचा भटूरा का है, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं आपकी और भी ब्रांच होएंगी? मेरी ब्रांच है रमेश नगर। अच्छा, रमेश नगर में? रमेश नगर खेत्रपाल हॉस्पिटल के सामने। अच्छा अच्छा, एक साल हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ भी बैठते हो? वो मेरे कज़न है, कज़न बैठते हैं। ओके ओके जी। अच्छा, अभी एक साल हुआ शुरू। ओके ओके। तो एक बार आपके पास कोई कार्ड नंबर होगा कुछ? कार्ड नंबर वैसे तो यहीं पर ही आगे कह सकते, कोई कस्टमर को ज़्यादा यहाँ पर अपनी फोटो ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और स्विगी जोमेटो से ऑर्डर मेटो वैसे ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू अंकल। पेटीएम वेटीएम सब कुछ है, पेटीएम फोन पे कैश सब कुछ है, ये देख सकते हो आप। चलो फिर अब हम घर जाके बात करते हैं। थैंक यू अंकल।